भोले, अरे हर भोले बाबा पर पानी फूके कुंवर प्यासे को खोजे। जी मैं पहली बार यात्रा पे आया हूँ और ये यहाँ तक की यात्रा में ये देखने को मिला है कि प्रशासन पल पल पे यात्रियों का पूरा सहयोग कर रहा है। सारे श्रद्धालु बिंदास अमरनाथ जी की यात्रा करें और यहाँ प्रशासन के द्वारा बहुत सारी कंफर्टेबल व्यवस्था कराई गई है कि किसी यात्री को भटकना नहीं पड़ रहा है और हर चीज़ एक सुटेबल ढंग से अवेलेबल करा रही है प्रशासन। उन्नीस सौ तिरानवे से लगातार मेरी ये 30वीं यात्रा है। ये ना जाने कौन से हमारे बुजुर्गों के कर्म है या आशीर्वाद है जो हमें 30 साल से वो रेगुलर बुला रहा है और सेवा में है। और हम मेरा एक धर्म है कि मैं लोगों को औरों को साथ भी लेके आता हूँ और उनको दर्शन करा के ठीक ठाक वापस भेजता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ पहलगाम की लंगर में सेवा करने के लिए। यही भी प्रार्थना करता हूँ, आए सब सुख शांति से रहें, मिलिट्री को कोऑपरेट करें, प्रशासन को कोऑपरेट करें, प्रशासन आप लोगों की सेवा में लगा हुआ है। आर्मी द्वारा जो पुलिस प्रशासन यहाँ के लोगों, पुलिस प्रशासन और यहाँ के लोग लोकल लोगों द्वारा जो आपसी सहयोग जो मिल रहा है बहुत सुंदर, अच्छा है। अच्छी तरह से वो एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही तो उसमें वो उसकी व्यवस्था कराने की व्यवस्था भी करा के दे रहे हैं। हर साल आते हैं हमारे में 14-15 सालों पास लेके आते हैं ऐसी यात्रा। जैसे जैसे सिस्टम है 15 साल पहले बहुत माड़ा सिस्टम था, आज 2-3 साल से ऐसा अच्छा सिस्टम हो गया, किसी भी पास से कोई परेशानी नहीं आई, ना आई है ना आएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। 20 साल हो गए मुझे आते हुए। सबसे पहले दिन यात्रा हम करते हैं, हम लुधियाना 25 तारीख से चले हैं, 25/6/2023 से, ठीक है। सबसे पहले हम शिवखौड़ी गए, शिवखौड़ी के बाद हम वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी के बाद हम शुद्ध महादेव, शुद्ध महादेव के बाद मटन में मंदिर जो सूर्य भगवान का मंदिर है वो देखा, फिर पहलगाम में 1-2 दिन मस्ती की, उसके बाद आज हम श्रीनगर में हैं। श्रीनगर में हम अपने वो कार्ड बनवाए हैं, पंजीकरण हमने पहले करवा रखा था, KYC हमने पहले करवा रखी थी, आज कार्ड बनवाए हैं और हम अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। भोले शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए सभी को अमरनाथ यात्रा करनी चाहिए।